ये शर्ट मैंने सफेद पहनी थी, मगर आज जो गेस्ट है उन्होंने जोश और वलवला इतना पैदा कर दिया है कि ये शर्ट खुद ही लाल हो चुकी है। तो भाई जो आज हमारी गेस्ट हैं वो मेरी तरह एक होस्ट भी है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 किलो हॉट ज्यादा। मुझे इस बात का गम भी है कि आज मैं सबसे हॉट नहीं लगूंगा, क्योंकि मेरे अंदर है सुलेमानी कीड़ा, इसलिए बुला लिया है मैंने मथिरा। ऐसा लग रहा है कि आज होस्ट की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद होस्ट। आज ये मैं पावर आपको देती हूँ। आप दे रही हैं? जी मैं ले लूँ, मैं आपसे ये पावर ले लूँ। मतलब पावर दे रही हूँ आपको, क्या ले लूँ? मैं भी पावर ही ले, मैं कौन सा कर्जा ले रहा हूँ आपसे। अच्छा, इससे पहले कि हम शो की गहराइयों में चले जाएं, इतनी गहराइयों में नहीं जाए, डूब जाएंगे। मुझे स्विमिंग आती है, फिक्र नहीं कर, मैं एक्सपीरियंस डालूंगा। हमें डुबाना आता है। चले। अच्छा, अब मजा आने लगा। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जिस तरह से आपने क्रिटिसिज्म को कैरी किया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा, आपको एक सेक्स सिंबल बना दिया कि ये है वो है मकीरा, बस यही गंदे काम। लेकिन जिस तरह एक मिनट, सेक्स गंदा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कब कह रहा था? एक मिनट, सेक्स नहीं होता तो आप सब भी आने होते, पैदा कैसे होते? मैं बताता हूँ कैसे पैदा होते, एक आया प्रोसेस। देखो नहीं नहीं नहीं, आप गायनोकोलॉजिस्ट वालों की दुकान नहीं चमकाए, हम वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नेचुरल, लोगों ने ना, लोग करते सब कुछ है, लेकिन जो करते हैं उसी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, दैट्स द हैबिट। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरह ये कैरी करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, ओन करती हैं, उतनी हिम्मत नहीं किसी में। यू कैन से आई रिस्पेक्ट दैट, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, अब मजाक करूंगा। हां, यू कैन से आई हैव गॉट बॉल्स, ज्यादा मर्दों से ज्यादा आई हैव गॉट बॉल्स। पसीना आ रहा है मुझे। पसीना आना सही, लेकिन ये अमरेश पुरी वाली जबान क्यों बाहर निकली तुम्हारी, ये समझ में नहीं आया। अम्मी, अच्छा बढ़िया, सवाल स्टार्ट करिए, इन्हीं में टाइम पास कर ले। नहीं नहीं नहीं, कोई टाइम पास नहीं होगा यार, चले। आप मेरे शेर को क्यों देख रहे हो, मेरे मुंह से बातें करो। तो आपने फिर क्यों पहना ये शेर? देख क्यों रहे हो, बातें तुम बातें तो मेरे मुंह कर रहा है ना, मतलब ये एक इशू होता है हमारी आवाम में, देख कहीं और रहे होते हैं, बातें कहीं और जा रही होती है। अच्छा तो मथिरा क्या हाल? बिल्कुल बहुत खतरनाक होने वाला है, मैंने कुछ कहा भी नहीं है अभी, मैंने सोचा था साफ बातें करेंगे, साफ झाड़ू लगाएंगे पहले। अच्छा, जिंदगी में मथिरा सुकून किस चीज में? मैं ऑप्शन दूंगा, मैं खुद दूंगा, मेरे पास प्राइवेट ऑप्शन लाया हूँ। ओहो, पैसा, फैमिली, दोस्त, हेल्थ, इनमें से किस चीज में सुकून है, या कोई थर्ड पार्टी भी है? थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी काम में ज्यादा सुकून है? मैं बोलती हूँ थर्ड पार्टी है रब। वाह, वो होता है तो सब, एक मोटो मैंने रखा है, रब राजी सब राजी। वाह, वेरी, दुनिया आपके कदमों में। तो चंद चीजें आई बिलीव स्पिरिचुअल और ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, दुनिया तो वैसे ही बोलती रहती है, नाम होगा तो बदनाम तो होंगे। क्या बात, क्या बात भाई, मैं इसलिए नाम नहीं बना रहा हूँ। नहीं बना, इस शो में मेरा ही नाम होगा मुझे लग रहा है, ये वो वाइट शो एपिसोड होगी जिसमें कोई नहीं देखेगा होस्ट कौन है, इररिलेवेंट है ये क्वेश्चन नहीं पड़ा होता तो शो हट जाता। नहीं नहीं, तो आप कह रही हैं कि रब को राजी कर लिया, सबको राजी कर। हाँ, तो रब कैसे राजी कर? आपको बेसिकली अपना इनर कॉन्शियस, यू नो, लोग हम काफी चीजों पर फोकस करते हैं, एक इंसानियत पर कोई नहीं फोकस करता। सही बात, जब आप इंसानियत के हर एक कदम को फोकस करोगे ना, तो कसम से आपने अपने रब को राजी ही किया है। वेरी गुड, किसी को दुखाओ नहीं, अल्लाह सबके दिल में बसता है, किसी का दिल ही ना दिखाओ। वाह, किसी का दिल नहीं दुखाओ। हाँ, दैट्स इट। आपने उर्दू कहाँ से, तालीम कहाँ से हासिल की उर्दू की? आई स्टार्टेड इन हेरिटेज
एंड बेसिकली आई एम पाकिस्तान में स्टडी नहीं किया, उर्दू यहाँ आकर सीखी है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा लगता है कोई उर्दू भी गलत बोले, वरना तो हम अंग्रेजी गलत बोलने वाले को बुरा समझते हैं, जज करते हैं कि भाई इन्होंने गलत। यहाँ जज हर बंदा होता है, पता हर कोई सुमोटो ले रहा है, हर कोई नोटिस। हाँ, जज ही करते रहते हैं यहाँ। किसी को कुछ अच्छा लगे बंदे, पहले उसकी तारीफ नहीं, पहले उसको जज करो। हाँ, फिर पूछो और करे यार, जज करे यार। आपके पास वो है नहीं, मैं बोल भी नहीं सकती। क्या नहीं, हाँ गहराइयों में मैं आपको ले गए, देखा आप डूब गए। अच्छा मतीरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान का एक प्राइम मसला है पॉपुलेशन का। हम जरूरत से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, औकात से बाहर निकलते जा रहे जा रहे हैं पाकिस्तान। ये आबादी कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? कैसे? आप खड़े हो जाए, रुक जाओ, पहले यहाँ वाले आ जाए। कैसे? मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाते। मैं बैठी भी सही। आपसे आबादी कम करना कैसे होगी? फजूल है ये पूछना। वैसे आई थिंक एवरीवन शुड, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। और ये एक प्रैक्टिकली मतलब जरूरी है, फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो एक माँ के लिए भी बहुत जरूरी है और फादर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के लिए फॉर हर हेल्थ, और बाप के लिए। लोग ये नहीं समझते कि बाप के ऊपर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ठीक है, तो जितना आप प्लान करके चलते हो अपनी फैमिली को, उतना आप बेहतर रहते हो, सुकून में रहते हो, और ये फाइनेंशियल क्रंच और ये चीजें नहीं होती। अच्छा, ये प्लान कैसे बनते हैं फैमिली के? बैठ जाते हैं सब, हम कितने क्या नंबर आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है? देखो मुझे ये बताओ, ये इज्तिमाई क्यों हो रही है? मतलब ऐसी क्या है? मतलब दो लोग शादी करते हैं ना, वो मतलब प्लान कर सकते हैं ना कि इतने गोल सेट करो जिंदगी में। सेट, हाँ, वो बहुत जरूरी होता है, वो प्लान होता है, वो प्लान यहाँ होगा तो रोमांस होगा। हम ये नहीं करते कि इस पोजीशन में ये प्लान कर देंगे, वो प्लान नहीं। मैं यहाँ से आऊंगा तो वहाँ से आना, ये नहीं, नहीं, ये प्लान नहीं। पोजीशन स्टडी, जिंदगी की प्लानिंग, सीरियस बातें की तरफ हमारा, सीरियस बात। ये जो है वो आलम ऑनलाइन चल रहा है। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अब इस बात पर कुछ नहीं, मैंने प्लानिंग की बात कर रही थी, आप क्यों और चले गए? देखिए हमारी आवाम, देखो आवाम, देखो फुल कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना है, चले बनाना है शो, कॉन्ट्रोवर्शियल बनाना है। सोच ले, सवाल में धोकर पाक करके लाया, सोच ले कुछ नहीं, चले। मैं सवाल अपनी सोच में आया था कि कहीं से गंदगी ना लगे। अच्छा ये बताएं, आपका जब आइटम सॉन्ग लोग देखते हैं, चाहिए तो उनको क्या महसूस होता होगा? फिर मैं ऑप्शन दूंगा, मैं तो ऑप्शन लिए ही घूम रहा हूँ। वो एंटरटेन होते हैं, वो गुस्सा करते होंगे, ये क्या बेहूदगी, हमारा माशरा नहीं, लेकिन देखते पूरी प्यार आता होगा आप पे, या फिर वो कमजोर हो जाते होंगे। अब इतना बड़ा गाना था यार, थक गया। प्यार आता है, फिर ख्वार होते हैं, फिर कमजोर होते हैं, फिर पूरा सीक्वेंस दिया है आपने भाई, पूरा फ्लो चार्ट था। हाँ, पहले वो एक चीज है ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। हाँ, 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 बहुत आला। तो वो ही, फिर वो गुस्सा आ जाता है कि वेरी नाइस। इम्पोर्टेंट सवाल, खाने में क्या पसंद? क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन होगा? मुझे ऑप्शन दो ना। दो दांत का बकरा, कोरमा पास्ता, या फिर अफगानी पुलाव। क्या पॉलिटिशियंस के नाम लिख दूं इसमें? अभी तक तो यार लोगों को लगता है पता नहीं कितनी जायदादें खाकर बैठी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ कोई कुछ नहीं दे रहा। नहीं, सिंपल दाल चावल। अच्छा, क्यों? मगर दाल चावल, आप इतनी अमीर हैं, सब जानते हैं आपको, पॉलिटिशियन क्यों नहीं रखो उसमें? दाल चावल, इसमें शेख रशीद का नाम होता, अगर खाने खाने पसंद करते हैं, उनके साथ खाना पसंद करते हैं। उनके साथ नहीं, मैं तो निहारी खा रहे थे, बुरा लगता। नहीं नहीं नहीं, किंकी हो जाता। ये कौन सा किंक है? इनके अंदर की क्या है, आपके अंदर की क्या निकल रही है? अच्छा मैं कुछ ना करूं? नहीं नहीं, मैं बैठा रहूं। नहीं नहीं, कुछ करो। रात को सोने से पहले, सोने से पहले क्या करती? फिर ऑप्शन दूं, मोबाइल बंद कर देती हूँ, बस हो गया, या किसी से बात करती हूँ, हाँ कैसे, कैसी हो, किसी को याद करती हैं, या फिर या किसी को बर्बाद कर देती हूँ। मैं तो मोबाइल छोड़ देती हूँ, बर्बाद तो लोग खुद ही हो जाते।
ऐसा क्या करते? वो बर्बादी खुद ही कर लेते, मैं क्या करूं? खुद ही कर लेते, सोच सोच बस मखीरा। वो क्या होते है, वो क्या एक डायलॉग निकल गई, वो डायलॉग निकल गया दिमाग से। हाँ बस वो दिमाग में बना लेते, वो एक होता ना दिमागी पुलाव, वो बना लेते हैं। आपके बारे में? मेरे बारे में? किसी और के बारे में? सनी लियोन के बारे में? जिसके बारे में बनाना होता है उनके बारे में बना ले। इमेजिन करना तो फ्री चीज होती है। चौधरी शुजात के बारे में? शायद चौधरी शुजात को भी डाल देते होंगे बीच में, रोल है उनका। हाँ वो बस मथीरा ने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर लिया, आ गया ना बीच में, ख्याल आ गया उसमें कैसी लगेंगी। बहुत अच्छी फैंटेसी, वेरी वेरी किंकी। अच्छा मथीरा, जाहिर बात है हमारी आवाम ऐसी है, वो किसी को नहीं छोड़ती। आपको भी लोगों ने दबा दब प्रपोज किया होगा, आस्क आउट किया होगा, कभी कोई ऐसा अनयूजुअल प्रपोजल आया? नहीं। कोई बेल पे बैठ के आ रहा है वो? नहीं 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 नहीं, टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई पागल नहीं टकरे। अच्छा, बिकॉज़ आई प्रपोज कोई नहीं कर रहा। आई हैव केप्ट माय बाउंड्रीज। नहीं नहीं, मेरा सिंपल हाई ब्लॉक बाउंड्री बनाई, एक गेट बनाया, टिकट लेने वाला खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, कोई टिकट नहीं। और जिंदगी में एक चीज सीखी है, एक कुत्ते को डराने के लिए उससे बड़ा कुत्ता रखो, उसको डराने के लिए उससे बड़ा कुत्ता, तो कोई भी कुत्ता पागल हो ना उसका बाप मेरे पास हो। तो कहाँ तक कुत्ते सोचे गए? बहुत कुत्ते हैं, बहुत कुत्ते हैं मेरे पास, बहुत कुत्ते हैं हर नस्ल के। कुत्ते भी हैं। अच्छा, इनमें से किस एक्टर की एक्टिंग में जोश है? बड़े कुत्ते हो तुम, बड़े कुत्ते। अच्छा, हो कितना बड़ा कुत्ता हूँ? मुझे किस पे छोड़ेंगे आप? तुम कहाँ कहाँ छुटते रहते हो, ये सवाल है। मैं जवाब नहीं देता। अच्छा, जो ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ, शहरोज सब्जवारी, काफी जोश लगा उनका, आगा अली, इमरान अशरफ या फिर आमिर लियाकत। यार यही एक्टर्स तुम्हें मिले तो मैं किन, कभी मोहम्मद कभी का नाम लिख दूं? आई थिंक हुमायूं सईद। ऑप्शन भी नहीं है लेकिन आपको इतना याद आ रहे हैं वो? ये बहुत जोर से इतना जोश है। इज अ गुड एक्टर, आई लव हिम, आई लव हिम। ये सब चीजें साइड पे होती है। हां, आई थिंक वो बंदा वाहिद बंदा है जो रोमांस में फिट होता है, एंड ही इज अ हीरो, ही इज अ हीरो मटेरियल, लाइक ये और एक शान। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। वाकई में जावेद शेख की लुक अभी भी ऐसा है, वो जावेद शेख, आपने वही तो कहा। अच्छा, जावेद शेख नहीं, वो फिट नहीं, एंड शान, उन दोनों में है फिटनेस लेवल है, जोश में भी है, चल भी रहे हैं, देर तक भी चल रहे हैं, अरसे तक। पता नहीं आपने 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 ट्राई किया? मुझे नहीं पता वो कितना करते हैं। मैं देख रहा हूँ ना उनको, 50 साल से आरएनडी में, भाई देर तक तो चल रहे हैं और कितना चलेंगे। आप कितना चलाओगे? हर बात घूम फिर कर मुझ पे ही आ जा रही है। अब आप खुद ही तीर मार रहे हो और खुद ही ले रहे हो, मैं क्या करूं? अम्मी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है काम, दबदब? दबदब काम नहीं, सोशल मीडिया नॉट दैट एक्टर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, लेकिन देखती तो है टाइमलाइन, ट्विटर वगैरह, इंस्टा पे? हाँ, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है पाकिस्तान में। अच्छी बात है, जरासीम मारो, बिल्कुल सवाल इतना साफ था। ये क्वारंटाइन में इनका साथी हाथी होगा। सवाल छोड़ ही देता हूँ। छोड़ ही दे। अच्छा, मैं बाखुदा साफ सवाल पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है, मैं सीरियस हूँ, डू यू थिंक इट्स अ कर्स और अ गिफ्ट? इट डिपेंड्स, एवरीथिंग कैन, एनीथिंग ओवर कैन बी अ कर्स, इवन इफ इट्स लव। प्यार भी बहुत ज्यादा है ना, अजीब हो जाता है, मतलब हर चीज को ना एक बैलेंस में रहना। हमारी आवाम में पता है क्या एक मसला है कि वी आर एक्सट्रीमिस्ट, हम हर चीज करते हैं एक्सट्रीम पर, और फिर वो फिर नेगेटिव हो जाता है। ऑफ कोर्स, तो ये एक प्रॉब्लम है हमें, हमारे पास वो बैलेंस नहीं है। एग्जांपल दे मुझे, क्या हम कहाँ एक्सट्रीम पे जा रहे हैं सोशल मीडिया? आई थिंक सोशल मीडिया पर ट्रॉल्स हैं, एंड जब ट्रॉलिंग आती है, जैसे शिरोज और सदफ की शादी में, आई फेल्ट सो बैड दैट यार, किसी का एक हैप्पी मोमेंट है, ठीक है, एक तो वो हाईलाइट कर रहे हैं,
फिर ये लोग अलग अलग, अब ये लोग ये नहीं देख रहे दैट ठीक है शादी होगी, लीव देम, हम ट्रॉल करेंगे, हम हर बंदे को उंगली देंगे, मतलब ये हमारी वाम की एक 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 चीज है ना, मतलब उनकी उंगलियां फारिक है तो उंगली करते रहते हैं, इनकी उंगलियां काट ली, उंगलियां काट ली। अच्छा आप कोई प्यार के अलावा कोई दूसरी जुबान बोलती नहीं? ओनली दीज लैंग्वेजेस, दीज लैंग्वेजेस, इंग्लिश, उर्दू, हल्की फुल्की पंजाबी, दैट्स इट। थोड़ी सी हो जाए हल्की फुल्की? नहीं इतनी गंदी है? बहुत गंदी है, सिर्फ गंदी चीजें आती हैं यार। कोई एक गंदी चीज, शेर आया करे? नहीं नहीं ऐसा कुछ, शेर आया क्या? मुस्लिम लीग नून वाले भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे? नहीं ना, मैं उनको नहीं करना, ऐसी तीर वाले लोग हैं, हम शेर के बारे में। तीर ही, अभी आपने तीर मुझे दे दिया था घुसाने के लिए। आप मार रहे थे और खुद ही ले रहे थे, मैं क्या? अब तो मैं किसको मारूं और किसको दूं? ओ खुद ही तुम ले रहे हो अपनी आवेद कर, वन साइडेड गेम हो रहा है। मैं चाहता यही हूँ आज ये वन साइडेड रहे। हाँ मैं तो लूंगी नहीं, तुम खुद ही ले लो। चाहता हूँ डोमिनेट करें आप। मैं डोमिनेट करूंगी, मसले हो जाएंगे। अच्छा जब आप ये सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ। जब आप चली जाएंगी, मतलब आप चली ही जाएंगी, सबको जाना है, हम भी जाएंगे, हाँ। तो जो पीछे रह जाएगा, हाँ। वो आप जो लोग रह जाएंगे वो आपको किस तरह याद करें? आई थिंक लोग आपको ना अच्छे बुरे लफ्जों में याद कर, लाइक दे विल जज यू। द रियल मेमोरी इज व्हाट यू डू फॉर योर लव्ड वंस। आप जो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, मुझे मैंने एक चीज सीखी है दैट जो आपके जितना छोटा सर्कल और जितना बेहतर सर्कल हो वो ही आपके लिए दुनिया होनी चाहिए। दुनिया दुनिया नहीं होती, मतलब less people better people and aapki family disturb now, no that's it. Achha. Otherwise duniya to bolti rahegi. Haan. And mujhe ye lagta hai jab tak shor hai na aap zinda ho, jis din shor chala gaya chahe wo negative positive ho aap mar gaye. Very bhai shor machate raho taki zinda rahe. Ventilator baitha hua hai yahan pe dekho. किसी की ट्रेन या है ब्रो, कोई लीक हो रहा है, बर्फ घुस गई ना, बर्फ घुस गई। अच्छा मथीरा, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है गवर्नमेंट किसी की एडवाइस मानती है, मगर शायद खान साहब हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपकी अगर वो कोई एडवाइस माने तो आप क्या देंगी? नंबर के अलावा क्या देंगी खान साहब? मैं खान साहब को नंबर तो नहीं दूंगी, लेकिन डायरेक्टली बस चली जाएंगे। मैं खान साहब को बोलूंगी घबराना है, तुसी भी थोड़ा घबरा लियो भाई, असी तो घबरा रहे, तुसी भी घबरा जाओ। अच्छा मुझे लगता है खान साहब, आपको लगता है खान साहब एंड मौके पे घबरा जाते हैं? ये मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया खान साहब को कि एंड मौके पर घबराते हैं, शुरुआत में ये नहीं पता मुझे। किसी ने बताया अभी? नहीं मैं इतनी गहराई में गई नहीं, ऊंचाई जिस दिन जाऊंगी तो जरूर बताओ। जाएंगी जिस दिन? जिस दिन में जाएंगी, जब भी मौका मिले। गहराई में जाना है, उनका घर पहाड़ पे, आपको ऊंचाई पे जाना होगा। उनको तो गहराई पे ले जाएंगे ना, इरादा है यानी पकड़ लिया आपने। ये पीपल्स पार्टी वालों ने आपको कहा है? अल्लाह माफ करे, नो आई एम अ फैन ऑफ बेनजीर भुट्टो, एंड मुझे लगता है द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान मुशर्रफ के वक्त बड़ा अच्छा था। एंड मुशर्रफ दोस्त हैं आपके? नहीं नहीं, आई सेड टाइम पाकिस्तान को बड़ा अच्छा था, एंड देन उसके बाद आवर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उनका टाइम अच्छा था, उनका टाइम अच्छा। आप यहाँ नहीं थी लगता है? मुझसे बाहर थी लगता है आप? नहीं थी, मुझे वो बेहतर लगा, आई लाइक दैट गवर्नमेंट। आपको पर्सनली बेहतर लगा होगा वो? आवाम जो कमरे से बाहर आवाम थी ना, वो मर रही थी। मैं कमरे में नहीं थी, आप कमरे में थे। मदीरा हाँ। बहुत ही शरीफाना सवाल है, मगर जवाब आप तो बिल्कुल नवाज शरीफाना वाले सवाल। हाँ। हाँ। मेरे साथ प्यार क्या है? क्या क्या है प्यार? प्यार प्यार लव्स नहीं, एक बात बताऊं? हाँ। प्यार आई लव यू इज ए चूतिया बनाने वाली मशीन। जो आपको चूतिया बनाएगा ना, सॉरी टू से, वो आपको आई लव यू दिन रात करता रहेगा। आप जिस दिन एक बंदे ने आई लव यू रख कर दो, बनाते हैं क्योंकि जो प्यार करते हैं वो दिखाते हैं एक्शन भी। सीधा चंबा? नहीं चंबा नहीं, आप क्या इन चंबे वाली चीजों में? नहीं नहीं मैं बोबरा समझता हूं। हां चंबन बॉन्डेज। मुझे लग रहा है इन्होंने ना नई नई चीजें ट्राई की हुई है।
तो यहाँ मेरे बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि यू नो ये भी आपके सामने मेरी क्या मजाल क्या ऐसा लगेगा ऑक्सफोर्ड को इकरा पढ़ा रही है। आपको कोई कंपटीशन है? नहीं नहीं है, आपको लगता ही नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, कंपटीशन में मैं बिलीव नहीं करती। फिर किस में बिलीव? आई थिंक आप नहीं ये मैं ऑनेस्टली इसका मैं जवाब दूंगी तुम्हें। हाँ रुक जाओ तो हो जाए मुकाबला, किसका वॉशिंग पाउडर धोता है ज्यादा साफ। ऐसी धुलाई होगी, ऐसी धुलाई होगी सब साफ हो जाएगा। कंपटीशन कोई नहीं है। नहीं आई थिंक यार इन माई लाइफ मैं मैंने ना बड़े छोटे चैनल से शुरू किया, ऑन अ सीरियस नोट, बड़े छोटे चैनल से शुरू किया है एंड आई वाज अ नोबडी और मेरी पहचान ही बनी थ्रू एक बंदा रैंडमली इंसल्टिंग मी जब मुझे हाँ जब मुझे ना जबान पता था ना पाकिस्तान के बारे में पता था, तो वो एक बेइज्जती ने मेरा एक इतना बड़ा नाम बनाया। और फिर ऑफ कोर्स 5 years बैड मैरिज डिड नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री, लेकिन उस 5 सालों में भी ये नाम अतीरा के जिंदा है और अभी भी मैं कहीं पर भी जाऊँ ना वो नाम है। तो मुझे ये लगता है कंपटीशन नहीं, थैंक यू कंपटीशन है ना आपको हसद से भर देता है। सो आई डू नॉट बिलीव इन कंपटीशन, आई बिलीव गो विद द फ्लो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं आप अपना प्रेजेंट भूल जाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। फ्यूचर तो बनता नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव लिव इन द प्रेजेंट, आपका फ्यूचर भी बेहतर बनेगा। जो आप अभी करते हो वो आपको फ्यूचर में नजर आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, समझदारी वाली बातें भी चलती है ना, यही चलाना चाह रहे हैं। वो भी समझदारी की बातें, वो भी समझदारी, समझ आती तो वो बातें होती। अच्छा मतीरा, मोहब्बत पहली कब हुई? गलती पहली कब हुई? गलती पहली कब हुई? When I was 16। बड़ी ठीक ठीक, और ये वही हुई हेरिटेज में? हाँ। आप कैसे हुई? बस गलती क्यों थी वो? मैं बोलती हूँ दैट गलतियां ही होती हैं उस उम्र में, तो गलती ही उस उम्र में गलतियां ही कोई काम ठीक नहीं। मतलब वो एक हार्मोन अनबैलेंसमेंट होता है, वो चाहिए होता है, हाँ चाहिए वाली चीज नहीं होती। बस वो होता है कि यार ये क्या है, वो एक होता है ना एक कीड़ा होता है, तो वो कीड़ा काटा था मुझे उस वक्त। तो आपने वो कीड़े से प्यार कर लिया? कितना प्यारा कीड़ा, कितना प्यारा कीड़ा, फिर नमक डाल के मार दिया? नहीं मुझे नहीं पता, तुम नमक डालकर मारते हो, होता है अर्थवर्म जो ये क्या कहते हैं स्नेल्स वगैरह, उनको नमक डालें वो ब्रुर कर देंगे। ऐसा होता है उनको, तो मारते है। मैं नहीं मारता भाई, मैं तो खा जाता हूँ उन्हें, प्यार करता हूँ, रख लेता हूँ। छोटा भाई है मेरा एक अर्थवर्म। फेवरेट फ्रूट? कितनी दफा खानों पर आएंगे, भूख लगी है क्या? वो तो पॉलिटिशियन खा रहे थे ना। अब हम असली खाने वाली चीजों में क्या पसंद है? ऑप्शंस है नहीं, आपको पता होगा ना क्या पसंद है आपको? मैं पहले तो बड़े ऑप्शंस, कितनी बड़ी बड़ी लिस्टें दे रहा था, अब कुछ नहीं, पैसे इतने थे, 4 सवाल जितना देना था दे दिया, अब खत्म, सब खत्म हो चुका। कमजोर हो चुका, कमजोर, मजबूर हूँ, मजबूर अपने हाथों से मजबूर। नो आई यार आई एम अ फूडी पर्सन। अच्छा हाँ, मेरी वजन से नहीं नजर आ रहा, ठीक ठाक खाते पीते घराने से हूँ। जुमला आ रहा बोलूंगा। चुप कर बांधे दा पुत्र बांध। अच्छा पॉलिटिशियन में कौन पसंद है बेनजीर के अलावा जो जिंदा में? क्यों बार-बार घुमा-घुमा कर लाना चाह रहे हो, पता तो चले कहां जा रही है ये पार्टी। आई थिंक बिलावल। बिलावल ने कभी कोई हिंट्स दिए आप? नो हिंट्स की बात नहीं, आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट लीडर, उसका टाइम आएगा। कैसे आएगा बताया उसने आपको? कब? 9:30 तक आ जाएगा? रात में देर से आएगा या सुबह सुबह भी आ सकता? नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आप बस सबको पता चलेगा। आपकी बात हो चुकी है यार, उसकी गवर्नमेंट का टाइम आएगा पगले। मैं समझ गया, मैं हाँ। तो कह रहा हूँ उनको कुछ आएगा, लेकिन वो कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा टाइम, उनमें क्या कमी है? अब मुझे क्या पता व्हाई हे मैं कमिंग बोलने वाली थी। बाकी तो उसकी रीत हो गई बेटा, हैशटैग ही है, मतलब तू हैशटैग शो कर दे आज। ये बासित है जो कैमरा है ना, इसका नाम बासित है। जब भी कंट्रोवर्शियल बात निकलती है ना ऑटोमेटिक हैशटैग बन रहे हैं। ये निकल रहे हैं आज, ये मतीरा आज मतलब फाड़ देगी टीआरपी, टीआरपी फटेगी आज।
आपके अपने अगर फट जाए तो कहीं सिलवा भी लेना, कोई बात नहीं। मुझे पता था कि मेरे पर फटियां रहती हैं इधर उधर। हाँ, मोची साथ ही रख दिया करे, जब फटे सी दो दो चीजें, फटो या फाड़ो। अच्छा, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में इंसान कौन है? आई थिंक मैं। आप खुद? खुद, हाँ। मैं सही हूँ तो मैं हर चीज को बैलेंस आउट रख सकती हूँ। ठीक है, तो आप अपना ख्याल कैसे रखती? यार ख्याल अब रखना शुरू कर गया। अब पहले अब क्या हाँ। मतलब पड़ी रहती थी? नहीं नहीं पड़ी रही नहीं। अब रिबेलियस स्टेज, मतलब जिंदगी के स्टेजेस है, हर स्टेज देखे, स्ट्रगल पीरियड देखा है। आई एम अ सेल्फ मेड बंदी, तो आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माय हाउस। आई एम अ सिंगल मॉम। इंजीनियर हैं आप? नहीं नहीं, नहीं नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट हूँ मैं, स्कूल ड्रॉप आउट हूँ। जॉनी सिंस की तरह? नो नो नो, ये अब मैं आपकी लूंगी जॉनी सिंस की तरह, फिर तो फटेगी। पिज्जा देने आएंगी आप मुझे? नहीं, लेने आऊंगी आपकी। तो मैं जॉनी सिंस बन जाऊंगा ना? नहीं 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 नहीं, मैं आऊंगी तो ठीक ठाक। समझ लो, मैं समझ लो, वहां नहीं जाएंगे सिंस को कम। वो एक मिनट कुछ लेकर आएंगे, यू नो। इतना बड़ा? हाँ, जितना घुस सकते घुसा दो। वैसे तो आप अभी यंग ही हैं, मगर जब इससे भी यंग थी, उस मथीरा को क्या एडवाइस देंगी, ताकि अगर जैसे अब जो फील कर रही हैं वो शायद ना फील करें, ऐसी क्या एडवाइस देंगी? आई थिंक व्हेन आई वाज यंग, क्योंकि जिम्बाब्वे में मैं बड़े छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, ठीक है, लाइक शॉर्ट्स, बंडाना, लाइक इस तरीके, वहां तो कोई मसला नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ आकर है ना, मैंने एक वो एक दिमाग में एक टीनेजहुड की टसल हो गई थी, क्योंकि दैट टाइम माय मॉम एंड डैड आल्सो गॉट डिवोर्स्ड एंड मैं अपनी बाप से बहुत करीब थी। सो वो एक टसल दिमाग में हो गई थी कि पाकिस्तान के लिए मैं बदलूंगी नहीं, तो मैंने रिक्शो में भी शॉर्ट्स पहनकर घूमी हूँ, लाइक ये क्या है मैंने। हाँ, और मेरे पीछे तो आवाम मुझे प्रोटोकॉल देती थी, ऑफ कोर्स, सब रिक्शे वाले रुक जाते थे, रिक्शे क्या हर तरीके के, वो क्या होते, वो कार्ड्स फेंक रहे होते थे कार्ड के पीछे, बोलते होते ये क्या हो गया। पर यस, दैट इज पाकिस्तान यार, पैसे आप पर मैं फिर बहुत अच्छा फील हो बहुत अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो हाँ, वो उस वक्त अगर मैं अपने आप को वो थोड़ा बहुत टोन डाउन करती, और मैंने हर बंदे पर भरोसा किया, दैट वाज आल्सो वेरी डम ऑफ मी। उससे क्या फर्क पड़ता अगर आप टोन डाउन कर लेती, क्या आप यहाँ तक ना आती? यार टू बी ऑनेस्ट, ये शो का नाम, फर्क तो नहीं पड़ता। जिम्बाब्वे के पॉलिटिशियन थे, और वहाँ जब रॉबर्ट मुगाबे पावर में आए तो मेरी मॉम और डैड की डिवोर्स हुई भी थी। तो मुगाबे ने ऐसा क्या किया? नहीं, तो मेरे अब्बा है ना ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं, तो अब्बा लंदन चले गए और अम्मी को छोड़ दिया, कट आउट कर दिया, और हमें पाकिस्तान रातों रात आना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एक होता है ना, एक डज लगा था। सो या दैट इज द मेन रीजन। डू यू कंसीडर दैट एज योर डिफाइनिंग मोमेंट इन लाइफ? आई थिंक हाँ, क्योंकि यू नो इट्स वेरी ऑकवर्ड, बट आई थिंक दैट वो मूव बड़ा उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, बट अब मैं पीछे देखती हूँ तो आई से या इट्स प्रीटी गुड। होना चाहिए था, मुगाबे को आना चाहिए। मुगाबे को नहीं, ये मोमेंट नहीं होता तो शायद मथीरा भी नहीं होती, मैं शायद पाकिस्तान भी नहीं आती। हाँ, ये एक चीज है, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट पाकिस्तान, चाहे जैसा भी उन्होंने मुझे नाम दिया है। अभी जो मैं इतना घूमती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, वो क्यों करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने मुझे एक नाम, पहचान, सब कुछ दिया है। सो दैट थिंग आई वुड रियली रिस्पेक्ट इट। क्या बात, अब ये देख रहे हो, बासित तुम ओन कर रही है मथीरा। हम लोग समझते थे मथीरा को इतना कुछ बोला गया होगा, मथीरा डिसअपॉइंटेड होंगी पाकिस्तान से, लोगों से नाराज होंगी, मगर शी स्टिल लव्स पाकिस्तान। बासित तालियां बजाओ, तुम बासित बजाओ 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 तालियां बजाओ भाई, क्या कर रहे हो? दोस्त हैं,
दोस्त हाँ है। लिटमस टेस्ट कैसे होता है कि यार ये दोस्त बनने काबिल है या सिर्फ लाइन मार रहे हैं? यार मैंने ना नए दोस्त नॉट एट ऑल, नो मोर न्यू फ्रेंड्स। आपने बुकिंग बंद कर दी? हाँ। तो पुराने दोस्तों को कैसे जज किया, वो क्या ऐसा करते हैं वो दोस्त रहे हैं? यार मेरे दोस्त है ना पांच पांच छह छह साल पुराने दोस्त है, और वो दोस्त है दैट हैव सीन मी लाइक क्राई एंड यू नो ऑल इनसेन टू, क्योंकि मैं पाकिस्तान आई थी फिर ऑफ कोर्स इंडिया, मुझे तो पता भी नहीं था दैट आई वाज फेमस, क्योंकि मैं इतनी बिल्स और अपनी चीजों में बिजी थी, मुझे फेम का तो पता ही नहीं पता था। हाँ क्या हो रहा है बाहर? या हाँ कसम है मुझे नहीं बताता, क्योंकि द फर्स्ट टाइम मुझे बोला गया कि आपको एक योगा शो करना है, तो मुझे क्या पता, मैं तो योगा के जो ड्रेसिंग है वो पहन कर चली गई, अब मुझे क्या पता यहाँ लोग योगा को कमर सूत्रा ले जाएंगे वहां से क्या दिमाग में बना लेंगे, आई डोंट नो एनीथिंग लाइक दैट। आप काकी थी? हाँ नन्नी थी? नन्नी नहीं, आई थिंक इट वाज जस्ट यू नो कल्चर डिफरेंस। एंड आई थिंक हम है ना इतने अजीब हो गए, हम इतने जजमेंटल हो गए, हम ज्यादातर है ना कवर को देखकर जज करते हैं। सो ये हमारी एक इश्यू है कि किसी ने छोटे कपड़े पहन लिए, सो शी इज अ स्लट, शी डिडंट रिप्लाई, शी इज अ स्लट। हां ये जरूरी है, शी इज फेमस, शी इज अ स्लट, शी गॉट अ फिल्म, ओ सोकर मिली होगी, ये एक नॉर्मल से, ये चीजें बंदों के लिए क्यों नहीं होती? बंदा शर्टलेस आ जाए तो ओ कोई बात नहीं, बंदे को कोई रोल मिल जाए लोग क्यों नहीं बोलते सोकर उसको मिला है? व्हाई डोंट दे से दैट, व्हाई इज इट ऑलवेज फॉर वुमेन? बिल्कुल सही है, कोई भी पोजीशन पर चले जाए इतने उसके यार होंगे, इतने उसके ये बातें औरतों के लिए क्यों होती है? ये पाकिस्तान की सोसाइटी में ये मैंने एक चीज देखी है दैट व्हेनेवर अ वुमन इज गोइंग या कोई तरक्की कर रहे होंगे ना, हम उस पर फौरन से एक स्लट का एक लकब लगा देंगे, दैट्स आवर इश्यू। देख रहे हो बासित, इसलिए चल रहा है, इसलिए चाहिए फेमिनिज्म पाकिस्तान में, जो तुम लोग कहते रहते हो ना औरतों को बराबरी चाहिए, बराबरी नहीं चाहिए। देखो मर्द और औरत कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं। ये बेवकूफाना चीजें होती जो बोलते है दैट यू नो कॉम्पिटिशन, नो हम दो अलग अलग है और हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब दो लोग मिलते हैं देन दे बिकम कम्प्लीट। यस तो वी शुड नो दैट, आई डोंट नो व्हाई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं मर्दों को कभी ये नहीं बोलती क्या हम औरतें मर्दों से ज्यादा, नो वी आर इनकम्प्लीट विदाउट मैन एंड मैन आर इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन। ठीक है, यानी कि वेरी गुड मथीरा शो। हाँ शो जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? गहरा हो गया है ना, और कहाँ फैज अहमद फैज, अभी फैज बदलते हैं, कौन से फैज पर ले जा रहा हूँ सवाल ऐसा। कभी सेट पे कोई भंड हुआ है? कौन सा भंड? अब कैसा भी भंड, कोई सेट पे आप शूट कर रही हो और आपसे कुछ ऐसा हो गया हो या कोई ऐसा मेजर भंड हो गया, आपने बोला बस ये क्या हो गया? व्हाट इज अ भंड? भंड मतलब स्क्रू अप। नो एक बात बताओ, आई हैव बीन इवन ही नोज इट, आई मैं अपने काम में है ना, ये मैंने ये जो अपनी मेरी इतनी बड़ी जुबान निकली है ना कि मैं इतनी लाउड माउथ हुई हूँ वो अब हुई हूँ, वरना पहले तो कोई मुझे यहाँ बोल दे कि चार घंटे आप यहाँ खड़े रहो मैं चुपचाप खड़ी रह जाती थी, मैं मतलब आई वाज दैट टाइप। हाँ अच्छा। मैं बड़ी आराम से टाइम पर आना, जो डायरेक्टर बोल रहा है वो सही है, अपना 200%। फिर मैंने बोला यार मैं तो सबसे बड़ी चूतिया हूँ ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, मतलब पागलों में। तो अब मैं ना नाउ आई एम वेरी, मैं हर चीज करती हूँ अपने टाइम पर अपने तरीके से, अगर कुछ ज्यादा हो जाता है आई एग्जिट। पहले मैं बड़ी फंसी हूँ इन चीजों में, डायरेक्टर्स ने कभी यू नो बिठा दिए इतने घंटों टाइम पर, तो आई हैव नेवर स्क्रूड अप ऑन सेट, नो, क्योंकि आई हैव ऑलवेज टेकन माय ब्रेड एंड बटर वेरी सीरियसली, क्योंकि वो मेरा घर चलाता था यू नो, सो आई हैव ऑलवेज टेकन काम का हिस्सा वेरी सीरियसली। वेरी नाइस, ये अच्छा किया आपने, बस आप आज लेट आई। नहीं सही बात होता हूँ, मैं काम कर रही थी, आई वाज सिटिंग लाइव, आई डू बीगो लाइव ना, तो yes, हाँ great. मैं सुबह के 7-8 बजे तक बैठी हुई थी, तो फिर मेरा बेटा उठा, फिर मेरी मॉम उठी एट अराउंड 10 बजे, मैंने बेटा अम्मी को दिया एंड देन आई स्लेप्ट। कितना कितना काम किया आपने बेटे के, बेटा उठा उठा के वहां दिया? नहीं नहीं या अल्लाह, उसको नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर उसके साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि आई कांट लीव हिम अलोन इन द हाउस। क्या नाम है उसका? आहिल। आहिल हाँ, यानी साहिल और आहिल? नो सिर्फ आहिल। इसका क्या मतलब? इट मींस प्रिंस। वाह हाँ। वाह कितना बड़ा हो गया आहिल? ही इज 5। ही इज 5, क्या वो क्या करेगा बड़ा? आई डोंट नो, वो आई बिलीव ही विल बी अ जेंटलमैन इंशाल्लाह।
उसका काम होगा, करियर उसका होगा जेंटलमैन होना। नो नो, करियर का टू बी ऑनेस्ट लाइक आई सेड, आई डू नॉट, मैं वो नहीं, इट्स नॉट अबाउट केयर, आई विल नेवर फोर्स माय बच्चा टू बी लाइक यू नो तुम्हें ये बनना है वो बनना है, नो नो, जिस तरह आई विल सी हाउ हिज पर्सनालिटी डेवलप्स, उसके साथ बच्चे का करियर बनता है। हम ये नहीं पैदा हुआ डॉक्टर बनाएंगे बच्चा का, उसका दिमाग वाला है। हाँ वैसे टू बी ऑनेस्ट, हाँ देखो मैंने एक चीज सीखी है, क्या? जब आप अच्छे होते हो आपको हर चीज मिल जाती है, ठीक है, सो यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन विद अ गुड हार्ट, ठीक है, थिंग्स विल कम योर वे। मथीरा जी, शो जो है वो टैलेंट पे पहुंच टेल पर, हाँ टेल पे पहुंच रहा है, बिल्कुल हमने बस सेफ एरिया में रखा है। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम क्राउड सोर्स करेंगे सिचुएशन, ओके, और वो हम सिचुएशन यहाँ इम्प्रोव प्ले करेंगे, इम्प्रोम्प्टू हम करेंगे जो करेंगे। आपने एक्टिंग तो नहीं की ना दादा? नहीं, किसी ड्रामे में काम नहीं, एक ड्रामे में काम किया था, अल्लाह माफ करे, उस ड्रामे ने काम नहीं किया, नहीं उतना नहीं, उन्होंने बड़ी मतलब इन लोग की कंटिन्यूटी, फिर पेमेंट के इश्यू, मैंने तो हाथ छोड़ दी, मैं आपको दूसरा ही काम करूंगा। नहीं मैंने फिर होस्टिंग पर ही चिपकी हुई। सेम हियर, सेगमेंट ये है कि मैं डायरेक्टर हूँ, फिल्म का सेट है और हम बात कर रहे हैं आइटम नंबर, ओके, ठीक है, और आपने फिर आके कर रहे हैं, मैं कट कट कट, ये नहीं मथीरा, कुछ कुछ हिलना चाहिए, हिल जाए माहौल, हाँ, और आप कहेंगे बस हाथ हिला दी, ये हिल रहे, हाथ हिल रहे, या या या। भाई बात ये है मथीरा, क्या आज की लाइफ इंसान जिन्हें इसमें आपने आज ये हिलाना है, ये मर जाए, पागल हो जाए, कमजोर हो जाए, सही है, धड़कना चाहिए, तड़पना चाहिए ऑडियंस, सही है, क्या करोगी तुम आज? मैं आई थिंक ये वाला स्टेप ही सही है, इतना हिलना सही है, नहीं इसमें हिट नहीं होगी, फिर थोड़ा इतना हो, नहीं मैं इतना नहीं करूंगी, आपको मसला क्या है, मैं नहीं कर रही, ये इनको मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे, मैं फिल्म तो छोड़ू, आप इधर क्यों हिट फिट होने चाह रहे हैं, देखिए मैं आइटम वाली हूँ, मुझे जो करना है करने दो। मथीरा क्या तुम मुझे थोड़ा हल्का सा करके दिखाओ, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूँ, मैं करूँ ही क्यों, पत्थर उठा के करो, मथीरा कुछ तो करो, ये फिल्म हिट कैसे होगी मथीरा? तो क्या हिट हिलने पर होती है? आपको पता है पाकिस्तान क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना, हिलना, आपको क्या हिलाना। आप कितना हिला हिला कर रहे हैं? तो आप कितना हिल रहे हैं? मैं डायरेक्टर से रिटायरमेंट ले रहा हूँ भाई। मैं बाहर ठेला लगा लूंगा, चने बेचूंगा अपने। बेच दे। मथीरा बैठ बैठ। चले। मीरा को कास्ट करो। मथीरा बहुत मजा आया। You've been excellent. आपने इतनी सब, आपने कुछ पीछे नहीं रोका। मेरी वाट लगा दी। पता नहीं अब मैं घर जा भी पाऊंगा क्यों, या आपके साथ शादीशुदा तो नहीं है आप? दो बच्चे भी। ओए होए, वो जो जाया हो गए टॉयलेट में, या कौन से कौन से बच्चे की बात वो कर रहे? जाया नहीं हुए, दो असली वाले पूरी साइकिल घूम के सारी कोई बात नहीं, बहुत सारे प्यार उनको। हाँ आप मत साफ प्यार मेरा प्यार उनके लिए काफी होगा। मथीरा थैंक यू सो मच, आप आई, आपने ये पहला गेस्ट आया है शो, okay. जिसके सामने मैं मतलब कचरा ही लग रहा था। नहीं नहीं मैं समझ रही, छुट गया नहीं, छुटा छुटा नहीं, छुटा नहीं, मैं अभी भी मैं बेल मैं अंदर ही हूँ, आप अंदर, मैं जेल में ही हूँ। मैं नहीं छुटा, जरदारी साहब छुट जाएंगे, मुझे क्या पता, केस चल रहा है ना उनका, आई होप छूट जाए, अभी तक दुआ है, अभी तक नहीं छूट रहे वो, हमने कोशिश भी, अब मैं भी, इन सर वो ले लो छोटे छोटे, इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन जल्दी छूट जाएगा? केस चल रहे हैं, आगा सिराज दुरानी, परवेज मुशर्रफ या जरदारी साहब, कौन जल्दी छूट सकता है? मुझे लगता है नवाज शरीफ जल्दी छूट सकता, वो तो अंदर जाने से पहले ही छूट गए, तो वो ही ना शुरुआत से ही छूट गए, पहले से ही छूट गए, प्रीमैच्योर बेल हो गई। थैंक यू मथीरा, थैंक यू सो मच।